बेटा हुण आपां 9वीं क्लास का अध्याय 6 दे अभ्यास 6.1 का चौथा सवाल करन जा रहे हैं। बहुत ही सौखा सवाल है, ध्यान नाल देखना है। कहिंदा है चित्र विच जे एक्स जमा वाई बराबर है डबल्यू जमा जैड होवे तां सिद्ध करो कि ए ओ बी एक लाइन है। देख तो रही है तुहानूं ए ओ बी एक लाइन है, पर असीं मान नहीं सकते क्योंकि असीं सिद्ध करना है। तो फिर असीं की करांगे, सब तो पहले तुहानूं दस्सिया है कि दिता है लिखना हुंदा है, जिहड़ी चीज़ दित्ती है वह लिख लैनी हुंदी है। सिद्ध करना है, प्रूफ दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन जां ए ओ बी एक रेखा है। असीं दोनों चीज़ें लिख लईआं, हुण आपां हल शुरू करन लगे हां। ध्यान नाल देखना है, हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि सारे चारे एंगल का जोड़ किन्ना होएगा, पूरा चक्कर बन जाएगा कंप्लीट एंगल। मैं तुम्हें दस्या सीगा कि सारे चारे कोणां का जोड़ किन्ना हुंदा है, 360 कंप्लीट एंगल। तो असीं की लिखांगे, एक्स जमा वाई जमा डबल्यू जमा जैड कि बराबर होंगे है 360 के बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक। पर सानू तो एक्स जमा वाई बराबर दिता है डबल्यू जमा जैड दे, तो की असी एक्स जमा वाई की थान डबल्यू जमा जैड लिख सकते हैं? यस। तो असी एक्स जमा वाई की थान की लिखन लगे हाँ, डबल्यू जमा जैड। फिर अगे की लिखा, डबल्यू जमा जैड बराबर है 360। मेरी गल नूं समझ आ रही बेटा? जिथे भी एक्स जमा वाई लिखा होएगा असी उत्थे डबल्यू जमा जैड लिखना हुंदा है। जो दिता है खब्बे हाथ की थान सज्जे हाथ नूं भरना हुंदा है। हुण डबल्यू किन्ने हो गए? दो। इहदा मतलब दो डबल्यू। जैड भी किन्ने हो गए? दो। दो जैड बराबर किन्ने हो गए? 360। जे असीं इत्थों दो कॉमन कढ लीए, सांझा कढ लीए, तो डबल्यू जमा जैड बच गया बराबर 360। इस दो नूं असीं उस घर भेजांगे तो 360 नाल जाके वह करेगा भाग। तो तुसीं 360 नूं दो नाल भाग करना मतलब अद्धा करना, तो सारे नूं पता 360 दा अद्धा 180 हुंदा है। इहदा मतलब डबल्यू ते जैड दा जोड़ किन्ना आ गया? 180। पर असीं तो जानदे हाँ कि दो कोणां दा जोड़ 180 ताइयों आ सकदा है जे वह एक लाइन दे उत्ते बनन। इट मीनस की लिखांगे, पर यह एक रेखी जोड़ा बनाता है। इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। तो इंग्लिश वाले की लिखेंगे, बट इट मेक लीनियर पेयर सो ए ओ बी इज अ लाइन। बहुत ही सौखा क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल तरीके असी की किया है, चारे कोणां का जोड़ 360 के बराबर रखा है। तो एक्स जमा वाई की वैल्यू जी सानू दिती सी डबल्यू जमा जैड के बराबर, उत्थे डबल्यू जमा जैड लिखा है, दो डबल्यू जमा दो जैड हो गए, दो कॉमन कट के असी दूजे पासे भेजिया तो कट के डबल्यू जमा जैड किन्ना आ गया? 180। तो दो कोणां का जोड़ 180 का मतलब है रेखी जोड़ा बनाना। इट मीनस वो एक लाइन के उत्ते बन रहे हैं, यदा मतलब ये भी एक लाइन होगी।